रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2019 की पहली भर्ती जो कि 35,000 की थी उसको जारी करने के बाद आज फिर से 2019 की दूसरी भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे इस भर्ती में कुल मिला के 1937 पोस्ट है और इसका नोटिफिकेशन नंबर है 02/2019। इसका आवेदन 12वीं तथा ग्रेजुएट दोनों तरह के कैंडिडेट कर पाएंगे। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये वैकेंसी है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा और यहाँ पे 1937 पोस्ट है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है और 12वीं तथा ग्रेजुएशन दोनों तरह के कैंडिडेट इसका आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट पर मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करने पर सीधे आप इस पेज पर होंगे। यहां पर देख सकते हैं रेलवे RRB पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2019। तो रेलवे की यह भर्ती पैरामेडिकल के ढेर सारे पोस्टों के लिए है और यहां पे कुल मिला के 1937 पोस्ट है। यहां पे इस भर्ती के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बताएं तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 3 मार्च को और इसका एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 4 मार्च से। इसका अंतिम डेट होगा 2 अप्रैल तक। हालांकि अगर आप इसमें ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 4 अप्रैल तक का समय मिल जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करने पर आप 5 अप्रैल तक कर पाएंगे और आप अपना फॉर्म 7 अप्रैल तक फाइनल कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है ये हो सकता है जून 2019 में। हालांकि ये टेंटेटिव है मतलब अभी ये चेंज हो सकता है। एडमिट कार्ड की बात करें तो अगर ये एग्ज़ाम जून 2019 में होगा तो यहाँ पे इसके लिए एडमिट कार्ड आपको 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले मिल जाएगा। यहाँ पे एंसर की के बारे में अभी कोई डेट नहीं जारी किया गया है। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल तथा OBC को देना होता है 500 रुपये जो कि बाद में एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं तथा AC ST और PH कैंडिडेटों को देना होता है 250 रुपये और यहाँ पे 250 का 250 रुपये एग्ज़ाम के बाद रिफंड कर दिया जाता है। और बात करें फीमेल कैटेगरी की तो यहाँ पे जो आल कैटेगरी की फीमेल्स हैं इनके लिए 250 रुपये रखा गया है और इसी तरह जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के हैं इनको भी 250 रुपये देना होगा। एक लाइन में आप ये समझिए कि जिनका 500 रुपये फीस लगता है उनको एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये रिफंड किया जाएगा, जिनका 250 रुपये फीस लगेगी उनका पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस वैकेंसी में कुल मिला के 1937 पोस्ट है। यहाँ पर आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ पर कौन से पद के लिए कितना पोस्ट है और इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है तथा एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करें जो सबसे बड़ी बात है ये है डेट ऑफ बर्थ के लिए। एज मांगा गया है सब अलग अलग है लेकिन एक चीज़ खास है सब में कि सबके लिए एज की काउंटिंग की जाएगी 1 जुलाई 2019 के दिन। यहाँ पे देखिए जो पहला है डेटिशियन का, इसके लिए आपको 18 से 33 होना चाहिए। स्टाफ नर्स 20 से 40, डेंटल हाइजीनिस्ट का 18 से 33, डायलिसिस टेक्नीशियन का 20 से 33, एक्सटेंशन एजुकेटर का 22 से 35, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर थर्ड 18 से 33, लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड 18 से 33। इसी तरह जो भी पद हैं उसमें जितनी भी उम्र सीमा मांगी गई है यहाँ पे लिखा गया है, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो आपको बताएं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो यहाँ पे जो डिटिशियन का पद है इसके लिए कैंडिडेटों को BSc होना चाहिए साइंस में और इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए डेटिस में, या फिर ये BSc होना चाहिए होम साइंस में और प्लस MCA होना चाहिए होम साइंस में फूड और न्यूट्रिशन में। यहाँ पे जो दूसरा पद है स्टाफ नर्स का, इसके लिए कैंडिडेट के पास रजिस्टर्ड नर्स और इसके साथ साथ 3 साल का जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए या फिर BSc होना चाहिए नर्सिंग में, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा पद है डेंटल हाइजीनिस्ट, तो इसके लिए कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में और ये बायोलॉजी में होना जरूरी है और इसके साथ 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डेंटल हाइजीन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में और इसके साथ साथ आपको डेंटल हाइजीनिस्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। आगे बढ़ें तो जो अगला पद है डायलिसिस टेक्नीशियन, तो इसके लिए कैंडिडेट के पास BSc होना चाहिए
और इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए होमो डायलिसिस में, या फिर 2 साल का सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए होम ट्रेनिंग में, या फिर आपको इसमें एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। एक्सटेंशन एजुकेटर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए सोशोलॉजी में, या फिर सोशल वर्क में, या फिर कम्युनिटी एजुकेशन में, और इसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में इस पद पे एलिजिबल होने के लिए। अगला जो पद है वो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर थर्ड। इसके लिए कैंडिडेट को बीएससी क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएससी होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ आपके पास जो बीएससी हो उसमें मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई केमिस्ट्री की ब्रांच होनी चाहिए, और इसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ में या फिर सेनेटरी इंस्पेक्टर में। यहाँ पे जो अगला पद है लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड। इसके लिए कैंडिडेट के पास बीएससी होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में या लेबोरेटरी में, या फिर बीएससी होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर लाइफ साइंस, या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। जो अगला पद है ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो इसके लिए कैंडिडेट को बीएससी होना चाहिए ऑप्टोमेट्री या डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्रिक में, और इसके साथ साथ 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। मतलब कि आप देख सकते हैं सारे पैरामेडिकल के कोर्स हैं, और कोर्सों की जानकारी के लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके लाइन बाई लाइन इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए लिंक दिए गए हैं, अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है। नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है। चलिए हम आपको इस फॉर्म को आवेदन करने से पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ के दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। उसके साथ ही थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन आ जाता है जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट और नोटिफिकेशन है, और इसका नोटिफिकेशन नंबर है CEN02/2019। मतलब कि 2019 के लिए ये दूसरी भर्ती है। पहली भर्ती एनटीपीसी की है और दूसरी भर्ती ये है जो कि पैरामेडिकल की है। यहाँ पे अगर आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया है डेट के बारे में, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब बढ़े आगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और यहाँ पे बात होगी प्रारंभिक सैलरी की। ये आपकी सैलरी मिलती है 7th CPC के अनुसार। पहला है जो डिटीसीएन, इसके लिए 44,900। यहाँ पे आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना होगा, और कुल मिला के केवल 4 पद हैं। स्टाफ नर्स है, इसमें मिलेगा आपको 44,900। इसके लिए आपको C1 ग्रेड का मेडिकल पास करना होगा, और यहाँ पे कुल मिला के 1,100 के करीब पद है। उसी तरह डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपको 6th CPC पे अभी पेमेंट मिल रहा है, वहाँ पे मिलता है आपको 35,400। C2 का मेडिकल पास करना होगा, और 5 वैकेंसी है। यहाँ पे जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके बारे में हम अभी आपको आगे बता देंगे। बाकी आप जिस भी पद के लिए योग्यता रखते हैं आप उनकी सैलरी यहाँ से देख सकते हैं, और कुल मिला के जो पद हैं वो है 1937। अब आपको यहाँ पे कुछ खास जानकारी दी गई है तो यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है जो पहले है कि वे कैंडिडेट जो कि फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उस दिन तक आपके पास इसमें जो योग्यता मांगी गई है होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फाइनल ईयर में हैं या फिर अपेयरिंग कहें तो इस तरह के कैंडिडेट इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेटों को सलाह दी जाती है कि वो अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी रखेंगे इसका आवेदन करने के लिए, और ऐसे ईमेल आईडी और मोबाइल का चयन करें जो कि भविष्य में भी चालू रहे, ताकि आगे की प्रक्रिया के लिए रेलवे आपको मेल या फिर मैसेज कर सकता है। यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको कि इसके लिए उम्र की काउंटिंग होगी 1/7/2019 को, और हर एक वैकेंसी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है और आपको पास होना जरूरी है। यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करें, जो कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कितने एग्जाम होंगे, तो यहाँ पे केवल एक एग्जाम होगा और वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT। यहाँ पे इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होगी और वो होगी 1/3 जैसा कि हर रेलवे के एग्जाम में नॉर्मली होता है। यहाँ पे एग्जाम में कुछ आइटम बैन भी किए गए हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ये सारा चीज़ आप लेके नहीं जा पाएंगे, ये ऑनलाइन पेपर होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे बात करें सेंटर और सिटी एलोकेशन की, कि मतलब आपका सेंटर कहाँ होगा, तो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि आपका सेंटर आपके ही स्टेट में मिल जाएगा।
यहाँ पे अगले अपडेट के बारे में आपको बताएं तो सबसे जो बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी एक आरआरबी का चयन करके अपना फार्म भरना होगा। अगर आपने एक से अलग अलग कई आरआरबी का चयन किया तो आपके सारे फार्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको जिस भी आरआरबी से चयन करना है आप एक ही आरआरबी का चयन करेंगे। यहाँ पे और कुछ हम आपको बताएं तो ये वैकेंसी ऑनलाइन तरीके से भरी जा रही है और इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। वैसे भी हमने आपको बता दिया है यहाँ पे जो आप फार्म का आवेदन करते समय सिग्नेचर रखेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वो एक स्मॉल और रनिंग हैंड में होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉल लेटर की बात करें तो वो एग्ज़ाम से एक हफ्ते या 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा। आप जब इस फॉर्म का आवेदन करेंगे तो आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, जैसे कि अगर आप दो या दो से अधिक पदों के लिए योग्यता रखते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सिलेक्शन होने की स्थिति में आप इनमें से किसको पहले वरीयता देना चाहेंगे। इसी तरह आगे बढ़ें तो आपको कुछ यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर बात होगी B1 का तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है विजन स्टैंडर्ड का, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6x9 या फिर 6x12 विथ या फिर विदाउट ग्लासेस। तो इसी तरह आप जिस भी पद का आवेदन करेंगे उसके सामने उसका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा गया है, आप इसे चेक कर लेंगे। एज लिमिट के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे आप एक पेज में एज लिमिट को देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे किससे किसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे बात करें उम्र सीमा में छूट की, मतलब कि जो मैक्सिमम उम्र में छूट चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए तो जो सेंट्रल की वैकेंसी में छूट मिलती है वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल और SC ST को 5 साल, तो यही है। और आप इसे अच्छे तरीके से चाहे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं कि केवल एक ही एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा, आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 माइनस मार्किंग होगी। यहाँ पे जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, यहाँ पे जो 70 होगा वो प्रोविजनल एबिलिटी पूछा जाएगा और जो 10 होगा जनरल अवेयरनेस से होंगे, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए मिलता है, समय मिलेगा 90 मिनट। यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना भी जरूरी है क्योंकि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 40% लाना ही होगा, OBC और AC को 30% और ST को 25%। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नंबर इससे कम है तो आपको कट ऑफ में जगह नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो ढेर सारे शिफ्टों में होगा और इसके बाद जब ढेर सारे शिफ्टों में होगा तो सारे एग्ज़ाम का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के लिए यही फार्मूला लगाया जाता है जिसको आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही है इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी, यहाँ पे हमने इसके आवेदन से लेके इसके सिलेबस तक को पूरी अच्छी तरह से कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।